नमस्कार। आप तो जानते ही हैं कि हमारी जो धमनियां हैं वो रक्त वाहिकाएं हैं, और आर्टरीज एंड वेन्स, उसमें से ब्लड फ्लो होता है। इनसे जो खून होता है वो दिल तक और उसके बाद पूरे शरीर में फैलता है। ऐसे में धमनियों का ब्लॉक हो जाना या कठोर हो जाना हमारे सेहत के लिए बहुत भारी हो सकता है। धमनियों की अंदरूनी परत में गंदगी जमा होने के कारण धमनियां बंद हो जाती है। ये गंदगी रक्त के प्रवाह को कम कर सकती है या रोक सकती है, जिससे क्या होगा, दिल का दौरा या स्ट्रोक। पश्चिमी देश में होने वाली लगभग 50% डेथ ये धमनियों के ब्लॉक होने के कारण होती है। आज हम आपको बता रहे हैं 3 ऐसे हेल्दी ड्रिंक्स जो धमनियों को डिटॉक्सिफाई और अनलॉक कर सकते हैं, धमनियों को खोल सकते हैं। पहला, व्हीट ग्रास जूस। रक्त वाहिकाओं में से विषाक्त पदार्थ को निकालने के लिए व्हीट ग्रास जूस या गेहूं के ज्वारे का रस बहुत ही अच्छा उपाय है। व्हीट ग्रास को अच्छी तरह धो लें और जूसर या ब्लेंडर में उसका रस निकालें। सुबह उठते ही खाली पेट 30 मिलीलीटर ये व्हीट ग्रास रस को लिया जाना चाहिए। धीरे धीरे 30 मिलीलीटर से 60 मिलीलीटर तक क्वांटिटी बढ़ानी अच्छा रहेगा। इसे थोड़ा स्वादिष्ट बनाने के लिए नींबू का रस या कोई भी फलों का रस भी जोड़ा जा सकता है। इससे बैड कोलेस्ट्रॉल भी घटेगा। दूसरा, अदरक, लहसुन और नींबू का काढ़ा। लहसुन और अदरक को चेच कर मैश करने के बाद इसे उबाल लें। अच्छी तरह उबलने के बाद इसे छान लें और इसमें आधा नींबू निचोएं। ये आपकी धमनियों को साफ करने के लिए बहुत ही अप्रतिम रस है। इसे शाम को कभी भी लें। लहसुन हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है और एथेरोस्क्लेरोसिस यानी धमनियों के अंदर जो जमा हो जाती है चीजें उसको भी हटाता है। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट है और हमारे बॉडी में प्लैक बनने से वो रोकता है। नींबू में जो साइट्रिक फ्लेवोनॉइड है ये भी धमनियों को ब्लॉक होने से रोकता है। तीसरा, क्रैनबेरी या करौंदे की स्मूदी। क्रैनबेरी, केला, दही, बादाम और संतरे के रस की स्मूदी के मिश्रण को आज से ही अपने नाश्ते का हिस्सा बना लीजिए। करवंदे की जगह स्ट्रॉबेरी और ब्लैकबेरी भी ली जा सकती है। इन सब में ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी धमनियों की सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी है। संतरे जैसे खट्टे फलों में फ्लेवोनॉइड होता है जो सूजन को घटाने में, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करता है। संतरे में फाइबर पैक्टिन भी होता है जिसका काम भी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करना है। बादाम आपके रक्त में अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है, HDL को बढ़ाता है और LDL, VLDL को कम करता है। बादाम ब्लड शुगर लेवल को भी घटाता है जिससे डायबिटीज से बचने में मदद मिलती है। तो ये स्मूदी हमारी रक्त वाहिकाओं को, हमारी आर्टरीज को क्लीन रखने में बहुत ही मदद रूप है। एक और फल है, वो है जामुन, जो अपने ऋतु में ही मिलते हैं। ये सारी चीजें अपने अपने ऋतु में ही मिलती है, तो जब भी ये मिले हमें खानी बहुत जरूरी है क्योंकि जामुन के भी बहुत ही फायदे हैं। जामुन में फ्लेवोनॉइड और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि रक्त वाहिकाओं में से LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को हटाता है, सूजन और हाई ब्लड प्रेशर भी कम करता है। अंत में ध्यान रखिए कि आपकी रक्त वाहिकाएं कोशिकाओं और अंगों के भीतर रक्त के आवाजाही का एक चैनल है। आपके सारे अंगों का स्वास्थ्य आपकी धमनियों के स्वास्थ्य पर निर्भर रहता है, इसीलिए इन्हें स्वच्छ रखें, खुला रखें और अपना ध्यान रखें। नमस्कार।